बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी रेसिपी जो मैं अपनी हर हंडिया के एंड पे मसाला डालती हूँ। वो मैं आपको पहले भी बताती हूँ कि यह बाजार का मसाला नहीं है, ना ये गरम मसाला है। मैं उसको घर में तैयार करती हूँ। तो उसके लिए मैं बड़ी सादा आसान सी रेसिपी है, जिसके लिए मैं लेती हूँ 4 टेबल स्पून ज़ीरा। ज़ीरे को अच्छी तरह पहले प्लेट में डाल के साफ करना है, कोई चीज़ अंदर ना रहे। और उसके बाद धनिया जो है वो मैंने उससे थोड़ा सा ज़्यादा लेना है। अगर 4 टेबल स्पून जो है हमारा ज़ीरा है ना, तो 5 से 6 टेबल स्पून जो है वो मैं धनिया ले लेती हूँ, खुश्क धनिया सूखा हुआ। इसको भी अच्छी तरह साफ कर लेना है प्लेट में डाल के, ताकि इसके अंदर कोई चीज़ ना हो। उसके अलावा इसके साथ है काली मिर्च, ये मैं लेती हूँ। जितना ज़ीरा लेना है उतनी ही काली मिर्च लेनी है, 4 टेबल स्पून। 4 टेबल स्पून काली मिर्च, 4 टेबल स्पून ज़ीरा और 6 टेबल स्पून जो है वो मैं लेती हूँ सूखा धनिया। ये बड़ी आसान सी और बड़ा टेस्टी रेसिपी है, जो कि हंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा मज़ेदार बना देती है। और आजकल क्योंकि गर्म मसाले हर कोई नहीं खाता, तो इसके साथ मैं 2 से 3 पीस जो है ना वो दालचीनी के ले लेती हूँ, और 1 जो है इलायची, क्योंकि उसके साथ ये एक टेस्ट भी आ जाता है। और ज़्यादा गरम मसाले आजकल के दौर में हर कोई पसंद भी नहीं करता और खाए भी नहीं जाते। तो इनको फिर मैं मिक्स करके ग्राइंड कर लेती हूँ और बाद में इसको एयरटाइट जार में डाल लेती हूँ। अब इन सारी चीज़ों को इकट्ठे ही मैं अंदर डालती हूँ, तो फिर इनको ग्राइंड करके अच्छी तरह अंदर ही दालचीनी जो है वो भी साथ ही इसके। अब मैंने इनको इकट्ठा ही सब चीज़ों को अंदर डाल दिया। इकट्ठे ही डालना है, पहले इनको लैदा लैदा साफ कर लेना, फिर इकट्ठे डाल देना। और अब इनको थोड़ी देर के लिए ग्राइंड करते हैं, अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। तो मिक्स होने के बाद आपको दिखाते हैं। इसको अब 2 मिनट मैंने किया है, लेकिन इसको फिर 1-2 मिनट के लिए और कर लेते हैं, ताकि अच्छी तरह सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। अब इसको मैंने निकाल लिया है 1 प्याली में, लेकिन इसको मैं इसके बाद एयरटाइट जार में जो है ना वो सेव कर लेती हूँ। जब ये ख़त्म हो जाए, हर रोज़ नहीं बनाना पड़ता, फिर ये 1 हफ्ते का बना लेते हैं, फिर 1 हफ्ते के बाद दोबारा फिर बना लेते हैं। आप भी ऐसे ही बनाएं कि ज़्यादा ना बनाएं, तकरीबन 1 हफ्ते या 10 दिन का बस बनाएं, फिर इनकी खुशबू नहीं ख़त्म होती, क्योंकि मसाले की जो खुशबू है ना वो ज़रूरी है। तो ज़्यादा दिन का बनाएं तो फिर मसाले की खुशबू ख़त्म हो जाती है। तो आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।